ओम शांति। आज हम साक्षी होकर अपने मन के साथ बातें करेंगे, अपने मन को छोटे से बच्चे के रूप में देखें। मेरा मन बहुत ही पावरफुल है, जो सदैव खुशी चाहता है और वह पाने की हर कोशिश वो करता है। आज हम अपने मन रूपी बच्चे को समझेंगे, उसे समझदार बनाना है। क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये उसको समझाना है। मन को तो खुशी चाहिए, कुछ ना कुछ नवीनता चाहिए। तो एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को भोजन दिया जाता है तो उसे गिराकर उसे मजा आता है, कोई चीजों को फेंक कर उसे मजा आता है, पानी में खेलकर, भीगकर। अगर हमने उस बच्चे की तरह ध्यान नहीं दिया तो वह स्वयं का ही नुकसान कर देता है। जैसे पानी में खेलकर गीला हो जाएगा तो बीमार पड़ेगा। चाकू को खिलौने की तरह मानकर उस पर बैठेगा, हाथ में पकड़ेगा या कहीं कुछ कट जाएगा या कोई गर्म चीज को खींचेगा तो कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है। उसी प्रकार अभी हम सूक्ष्म की ओर चलेंगे। मेरा मन एक बहुत नन्हा सा बच्चा है, तो मन रूपी बच्चे को नवीनता चाहिए, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो योग में हो, चाहे सोच में हो, उसे सही दिशा और सही मार्गदर्शन, गाइडेंस चाहिए। अगर हम उसे प्यार से सही समझ देंगे तो वह हमारी बात जरूर मानेगा। तो बैठ जाए कुछ समय के लिए अपने मन के साथ और समझिए अपने मन रूपी बच्चे को। दुनिया की सभी बातों से, चलने वाले विचारों को ध्यान से देखें। मैं संपूर्ण जागृत अवस्था में हूं। अभी मेरे मन के साथ मेरी मीटिंग है। मैं एक बड़ी सी हरी भरी लॉन में एकांत में दूर जाकर बैठा हूं। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी है, मन के साथ बैठना। मैं अपने मन के साथ बैठा हूं, मन से बात कर रहा हूं। मन को एक छोटे बच्चे के रूप में देख रहा हूं। हे मेरे मन, अभी मेरे आपके साथ एकांत में अपॉइंटमेंट है। हे मेरे मीठे मन,
आप कितने प्यारे बच्चे की तरह हो, कितने इनोसेंट हो। आज मैं आत्मा एक पिता के रूप में जैसे तुम्हारे सामने बैठा हूं। मेरे मन, तुम क्या चाहते हो? मन, छोटा सा बच्चा मेरी गोद में आकर बैठा और कहता है, मुझे ना खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। और सबसे पहले आप मुझे समझ लो, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं ना? मैं कहता, हाँ मेरे मन, आप जो है जैसे है मेरे हो, और तुम बहुत स्ट्रांग हो। हे मेरे मीठे मन, तुझ में अनंत शक्तियां है, तुम्हारे पास संकल्प रूपी बहुत बड़ा खजाना है जो सृष्टि का निर्माण करता है। तुम बहुत महान हो, तुम्हारे पास ज्ञान के भंडार है, नवनिर्माण की तुम प्रचंड शक्ति रखते हो। हे मन, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? मैं तुम्हें समझता हूं। मैं आज इस संसार में जो कुछ भी देखता हूं, यह मन में उठे संकल्प का ही तो आविष्कार है, ये तुम्हारी ही इन्वेंशन है। हे मन, मेरी रूटीन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरा प्लान क्या है? जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? इसके लिए मैं रोज सोचता हूं। आज तुमसे बात करूंगा। हे मन, मुझे रोज नए नए विधि से योग करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हे मन, स्वयं भगवान धरती पर आ चुके हैं, और उनके महावाक्य जब मेरे कानों में पड़ते हैं तो अंदर एक जागृति आती है। भगवान कहते हैं, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तो मेरे मीठे मन, तुम्हें भगवान के प्रति, उनके सेवा के प्रति, इस विश्व परिवर्तन के कार्य के प्रति समर्पित होना है। भगवान को प्रत्यक्ष करना है, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ही ये संभव है। ऐसा मौका, ऐसा समय फिर सारे कल्प में नहीं मिलने वाला। तो मेरे मीठे मन, क्या हम इस सुवर्ण अवसर का
लाभ। क्या हम इस सुवर्ण अवसर का लाभ, तो क्या इस सुवर्ण अवसर का लाभ उठाने में तुम मेरा सहयोग करोगे? मैं हर कार्य खुशी खुशी करना चाहता हूं। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मेरा मन मेरी ओर देख रहा है। प्यार से मुस्कुरा रहा है। और हां जी कह रहा है, सिर हिला रहा है कि हां, मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा। ये समय मैं जाने नहीं दूंगा। मैं इसे पूरा सफल करूंगा। बस तुम ऑर्डर देना। जब भी तुम दिल से बाबा को याद करोगे, मैं तुम्हें बाबा के पास ले जाऊंगा। मैं उस प्यार का अनुभव करूंगा। अब मेरा मन मुझसे हाथ मिलाता है। अपने ही मन से मैं गले मिल रहा हूं। बाबा भी हमारा ये मिलन देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब बाबा अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और मेरा मन बाबा के हाथों में हाथ देता है। परमात्मा शक्तियां मेरे मन को मिलती जा रही है और मैं आत्मा अपने आप एकाग्र हो रही हूं परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूं। कितना प्यारा अनुभव है ये। अब मैं पूरा दिन अपने मन से और अपने मीठे बाबा से बात करूंगा, उसे बहलाऊंगा, उसे बाबा की बातें बताऊंगा, उसको संगम युग का महत्व सुनाऊंगा। मेरा मन नाचने लगा। ये तुम सदैव मेरे साथ रहना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। अब हम दोनों एक हो गए और पहुंच गए अपने कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति।